हे गाइस, वेलकम टू द एकेडमी एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल क्लास जहां पर हम देखेंगे अमृतपाल सिंह और खालिस्तान की पूरी कहानी। 1947 से एक मुल्क की डिमांड होती है, आज वो डिमांड कहां तक पहुंची है और ये अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति जो नया आया है वो कौन है, आज की इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। ऑलरेडी एक बार हम इस पर एक मिशन कर चुके हैं, लेकिन मिशन के बाद ही मुझे लगा कि अभी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और एक बार इस कहानी को वापस से रिवाइज करना चाहिए। तो फिर फाइनली हम वापस से आज इसकी क्लास ले रहे हैं एंड आई एम ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ यू इन द क्लास। जल्दी से शुरुआत करें क्लास की। ओके, पलक इज हियर, मानसी इज हियर, जुल्फिया इज हियर, तनिष्का, जय शिव, रुद्र, वेलकम टू द क्लास गाइज। यस, आई सी अ लॉट ऑफ यू आर हियर। चलिए जल्दी से शुरू करें क्लास। ऑल राइट। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम दिव्य है, मैं आपका अनअकैडमी क्लैट एजुकेटर हूँ। आप ही की तरह एक क्लैट एस्पिरेंट भी था। आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 16, क्लैट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17 इन आईलेट। आई बी मेंटोरिंग क्लैट एस्पिरेंट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड हियर एट अनअकैडमी इट इज माई मिशन टू मेक योर क्लैट प्रिपरेशन सिंपल एंड सेंसिबल। साथ ही में 26 मार्च को यानी कि इस संडे को हम लोग मिल रहे हैं दिल्ली में शाम को 4 बजे। और इस बार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, आप लोगों के साथ जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को मैं दूंगा ढेर सारी अनअकैडमी मर्च। तो अगर आप लोगों को मिलना है, अनअकैडमी की टी शर्ट भी पहननी है और ढेर सारे गप्पे लड़ाने हैं तो अनअकैडमी के सेशन में आप आ सकते हैं 26 मार्च को। और साथ ही में हम करेंगे क्लैट की स्ट्रेटजी पेपर की बात। ऑलराइट, और अभी अनअकैडमी पर ये ऑफर चल रहा है जिसमें यू कैन सेव अप टू 30%। और अनअकैडमी पर देर आर अ लॉट ऑफ बैचेस विच आर कमिंग अप, तो इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, यू कैन यूज़ द कोड दिव्य कुमार गर्ग टू गेट 20% ऑफ। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो दिव्य कुमार गर्ग और इससे आपको क्या होगा, 20% ऑफ मिलेगा, है ना। पलक बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले आई क्लास में, थैंक्स अलॉट पलक, थैंक्स अलॉट। चलिए शुरू करते हैं खालिस्तान की स्टोरी। देखो, खालिस्तान की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, इस कहानी को समझने के लिए हमको 1947 से भी थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। 1947 से पहले हम कहाँ चले, हम चलते हैं 1930 में। 1930 वो पहला साल था जब पाकिस्तान की डिमांड सीरियसली भारत में होने लगी। कई सारे लोग, कई सारे मुस्लिम लोग ये मानने लगे कि हिंदुस्तान जो है, जो भारत है, वो हिंदुओं का देश है और क्योंकि वो हिंदुओं का देश है तो मुस्लिम लोगों के लिए भी एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। शुरुआत में एक बहुत फ्रिंज आइडिया था, यानी कि कुछ ही लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन धीरे 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 हम देखते हैं कि आइडिया बढ़ता गया और एक लीग बनी, मुस्लिम लीग, जो पहले बन चुकी थी, जिसने इस आइडिया को पूरी तरह से अपने पास ले लिया। और हम क्या देखते हैं कि कुछ दिनों बाद दंगे होते हैं, दंगों के बाद पाकिस्तान की डिमांड को और ज़्यादा सीरियसली उठाया जाता है एंड इवेंचुअली भारत का बंटवारा होता है जिसमें भारत अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान सेक्युलर कंट्री बनता है, पाकिस्तान कहने को सेक्युलर कंट्री बनता है, लेकिन वो प्राइमरीली मुस्लिमों को एक जगह देने के लिए एक कंट्री का निर्माण होता है। लेकिन भारत में इन दो कम्युनिटीज़ के अलावा, इन दो रिलीजन के लोगों के अलावा एक रिलीजन के लोग और थे और ये रिलीजन था सिख लोगों का। जब भारत का पार्टीशन होता है तो भारत के पार्टीशन के समय हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दंगे होते हैं वो भारत के दो राज्यों ने देखे थे, एक पंजाब और दूसरा बंगाल, क्योंकि दोनों ही बॉर्डर स्टेट थे। तो पंजाब ने भी देखा कि कई सारे हिंदुओं जो पाकिस्तान से आ रहे थे उनको मारा गया। कई सारे लोगों ने देखा कि कई सारे जो मुस्लिम लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे उनको भी मारा गया। और सिख लोगों का यह कहना था कि पंजाब प्रांत को दो भागों में बांट दिया गया, क्योंकि आधा पंजाब अब भारत में था और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती, देखो पंजाब में प्राइमरीली सिख पॉपुलेशन रहती है जो पंजाबी लैंग्वेज बोलती है, तो दे हैव अ डिफरेंट रिलीजन जो कि बाकी जगह उतना नहीं देखा जाता प्रोमिनेंटली, और दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज जो कि अगेन बाकी जगह उतनी प्रोमिनेंटली नहीं देखी जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ इससे, तो ये सब ठीक था, पाकिस्तान पंजाब में उनको जगह मिली इंडिया में, और मेजॉरिटी ऑफ सिख पॉपुलेशन स्टेट विद इंडिया, इंडिया के साथ रहे और पंजाब में रहे वो। लेकिन अब उनको समझ में आया कि यार इनके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पहली प्रॉब्लम तो ये हुई दैट डिस्पाइट इन मेजॉरिटी दैट दे केम टू इंडिया, दे वर नॉट रियली अ मेजॉरिटी इन इंडिया। सिखों की मेजॉरिटी भारत में आ गई थी, लेकिन सिखों की मेजॉरिटी भारत में तो आई थी, लेकिन हमने ये देखा था कि भारत में अभी भी वो पूरी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी नहीं थे और 10% का हिस्सा भी उनका नहीं होता था। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि भारत में ही उनको पूरी जगह तो मिली, लेकिन पाकिस्तान में उनकी इम्पॉर्टेंट जगह चली गई,
जैसे गुरु नानक देव का जहाँ पे जन्म हुआ था, नानकाना साहब, और साथ ही में एक और जगह लाहौर, जो कि उस समय के सिख जो किंगडम बनी थी उससे पहले 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो सिख किंगडम होती थी उसकी राजधानी थी। तो लाहौर को जनरली सिख लोग अपना मानते थे, और लाहौर और गुरुद्वार जो गुरु नानक देव साहब की जन्मस्थल था वो दोनों अब पाकिस्तान जा चुका था। तो उनको लगा कि यार ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में हमारा फालतू में नुकसान हो गया, और इसलिए डिमांड आती है खालिस्तान की। ये था खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट क्या चाहता था? खालिस्तान मूवमेंट चाहता था कि जिस तरह से दो मुल्कों का बंटवारा हुआ है उसी तरह से एक बंटवारा और हो, और इस बार एक मुल्क मिले सिख लोगों को जिसका नाम दिया जाएगा खालिस्तान, यानी खालसा की जगह। ये सॉवरेन होगा, इसकी खुद की फोर्स होगी, और ये हर मायने में एक कंट्री की तरह होगा। ठीक है, ओके। यस आई नो कि एक ये बिप की आवाज़ आ रही है बिकॉज वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ, और जो इन्वर्टर दिया गया है मुझे अनअकैडमी की तरफ से उसमें ये बीप की आवाज़ आती है, है ना। आई एम रियली सॉरी, मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन आई थिंक कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम कर लेंगे मैनेज, कर लोगे ना मैनेज, और कुछ ही समय में लाइट भी आ जाएगी। आज बारिश बहुत हुई है इंदौर में, तो देर इज़ अ इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट ठीक है। तो खालिस्तान मूवमेंट क्या था? इट वॉन्टेड अ सेपरेट सॉवरिन सिख स्टेट इन प्रेजेंट डे पंजाब। वो आज के पंजाब में एक सेपरेट और सॉवरिन स्टेट चाहते थे। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब 1947 के बाद क्या होता है? देखो, द मूवमेंट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन अलोंग रिलीजियस लाइंस। द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी बिगेन अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विद द पंजाबी सूबा मूवमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये पंजाबी सूबा मूवमेंट क्या था, है ना, व्हाट वाज दिस पंजाबी सूबा मूवमेंट ऑल अबाउट। हमारे यहाँ भारत में जब आज़ादी हमें मिली तो उस समय आप सारे लोगों को पता है कि 565 रियासतें इंडिपेंडेंट जो थी पहले ब्रिटिशर्स के पास थी, अब वो भारत का पार्ट बन गई थी। तो सवाल एक सिंपल सा था कि भारत में कितने राज्य होंगे। ये तो बड़ा क्लियर था हमको कि भारत को एज अ सिंगल कंट्री, अगर उसमें सिर्फ एक राज्य हो तो उस तरह से तो हम रेगुलेट नहीं कर सकते। वी विल नीड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमको स्मॉलर यूनिट चाहिए होगी। तो ये हमको इसकी क्लैरिटी मिल गई थी कि भैया हम क्या करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि देर विल बी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिवीजन, और किसी ना किसी तरह से देर विल बी केसेस जहाँ पे हम स्टेट्स बनाएंगे। अब लेकिन इनको स्टेट्स को किस तरह से बनाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया का एक कमीशन जिसको JBP कमीशन बोला गया। JBP कमीशन ने बोला कि स्टेट्स का बंटवारा एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के हिसाब से होना चाहिए, मतलब कि आप स्टेट को इस तरह से डिवाइड करो कि ये बीच में उसकी कैपिटल हो और चारों तरफ ये स्टेट हो, ताकि कहीं भी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए और एडमिनिस्ट्रेशन करने में ईज रहे। लेकिन भारत में कई सारे लोग चाहते थे कि भारत में जो राज्य बने वो लिंग्विस्टिक आधार पे बने, भाषा के आधार पे बने। इसके लिए 1954 में हम देखते हैं 1953-54 में आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। एक आंध्र प्रदेश के नेता 54 दिन तक खाना नहीं खाते हैं और उनकी आमरण अनशन करते करते मौत हो जाती है। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और फाइनली 1954 में भारत का पहला भाषा के आधार पर बना हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट आता है। और वो भाषा के आधार पर बना हुआ पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था? इट वॉज आंध्र प्रदेश। और फिर 1956 में फजल अली कमीशन, जस्टिस फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर हम ये देखते हैं कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनती है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अलग अलग राज्य बना देती है। इसमें तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु बनता है, मलयाली लोगों के लिए केरला बनता है, कन्नड़िगा उसके लिए कर्नाटक बनता है, तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनता है, जो महाराष्ट्र था या बॉम्बे स्टेट था उसमें मराठियों के लिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरातियों के लिए गुजरात हो गया। इस तरह से ढेर सारे राज्य बने। ठीक है, लेकिन ये जो पंजाबी सूबा मूवमेंट था ना, उस समय पंजाब को पंजाबियों के लिए एक अलग राज्य नहीं दिया गया। तो पंजाबी सूबा था बहुत बड़ा, लेकिन उसमें एक सेपरेट राज्य अगर सिख लोग मानते थे वैसा राज्य उनको नहीं दिया गया था। फिर क्या हुआ आगे? तो देखो, उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि 1964-65 तक आते आते ये डिमांड बढ़ती गई, है ना। तो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इट, दे कई सारे लोगों की डिमांड आती गई। अब जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके लिए क्या किया गया, है ना, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, यस, 1966 में जब ढेर सारी प्रोटेस्ट हुई तो हमने स्टेट ऑफ पंजाब अलग से बना दिया।
ठीक है। तो पंजाबी सूबा डिमांड के लिए हमने क्या करा, स्टेट ऑफ पंजाब बनाया और पंजाबी सूबे को ट्राइफ्यूरिकेट किया पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। तो पंजाबी लोग क्या चाहते थे कि सिख लोगों के लिए जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र बन जाए। राष्ट्र हम नहीं दे सकते थे तो हमने एक राज्य दे दिया। तब तीन तरह के लोग थे, ऐसे सिख लोग जो पंजाबी बोलते थे, ऐसे हिंदू लोग जो पंजाबी बोलते थे और ऐसे हिंदू लोग जो पंजाबी नहीं बोलते थे। तीन तरह के लोग थे। तो सिख लोग जो पंजाबी बोलते थे उनको मिला पंजाब, नॉन सिख लोग जो पंजाबी बोलते थे उनको मिला हरियाणा, और हिंदू लोग जो पंजाबी नहीं बोलते थे या नॉन सिख लोग जो पंजाबी नहीं बोलते थे उनको मिला हिमाचल प्रदेश। दे मेनली स्पोक पहाड़ी। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस तरह से हमने देखा कि 1966 में पंजाब को ट्राइफ्यूरिकेट कर दिया गया। ठीक है, नहीं पलक 1966 में हुआ था। तो गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ बता दो आप मुझे। क्लियर हुई यहाँ तक की कहानी? ठीक है, अब हमारी कहानी में क्या हो रहा है, अब हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर आ रहा है और इस कैरेक्टर का नाम है, अभी भिंडरांवाले की एंट्री करवाऊंगा मैं, अमृतपाल की भी एंट्री होगी। अब आप बोलोगे कि अमृतपाल की क्लास थी, अमृतपाल के बारे में तो बताया नहीं, उन सब लोगों की एंट्री होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जिसका नाम है अकाली दल। ठीक है, तो जो सिख मेजॉरिटी पंजाब था वहाँ पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेती है जिसका नाम होता है अकाली दल। अकाली दल चुनाव लड़ती है और चुनाव में उसकी टक्कर होती है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, लगभग भारत के हर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। 1967 में चुनाव होता है, 1969 में चुनाव होता है ना, और उन सब समय अकाली दल वहाँ पर कांग्रेस को टक्कर देती है। कांग्रेस को उतनी ज़बरदस्त टक्कर नहीं दे पाती है, लेकिन फिर भी क्या करती है, यहाँ पर टक्कर कांग्रेस को मिलती है। लेकिन 1971 में होते हैं भारत के लोकसभा इलेक्शन और 1971 में कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिलती है। उसके बाद बधाई हो बांग्लादेश हो जाता है। तो बांग्लादेश का जन्म होने के बाद इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी नेता बन जाती है, सबसे स्ट्रांग नेता बन जाती है। तो 1972 में जब पंजाब के चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब में अकाली दल का सफाया हो जाता है, मतलब कि अकाली दल को चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। अब ये जो अकाली दल था ना, अकाली दल चाहता था कि यार वो रेलेवेंट रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका सफाया हो जाएगा तो वो कुछ काम करेगी ना, है ना। तो अब यहाँ पर अकाली दल की एक मीटिंग होती है और मीटिंग से हमारी कहानी फिर बदल जाती है। इस मीटिंग, ये मीटिंग हुई थी आनंदपुर साहिब में। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये आनंदपुर साहिब में हुई थी। अब आनंदपुर साहिब क्या है, आनंदपुर साहिब वो जगह है जहाँ पे पंजाब के खालसा का जन्म हुआ था। तो खालसा की जन्मभूमि को आनंदपुर साहिब बोला जाता है। तो आनंदपुर साहिब बहुत होली जगह होती है सिख लोगों के लिए और कई सारे सिख लोग वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करने, सब कुछ करने जाते हैं। दे गो देयर टू पे रिस्पेक्ट टू द खालसा। अब 1973 में अकाली दल आनंदपुर साहिब जाता है और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास होती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, सारे लोग आते हैं और वो आकर के ये चिंतन करते हैं कि आखिर अकाली दल इतना नीचे क्यों गया चुनाव में और अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं ताकि चीज़ें हमारी बेहतर हो जाए, और इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए इन्होंने एक लिस्ट ऑफ डिमांड पास करी कि यार क्या क्या डिमांड है जो कि अकाली दल के पॉलिटिकल पाथ को आगे बढ़ाएगी, है ना। तो उनकी कुछ डिमांड थी, अब उन डिमांड में क्या था। ठीक है, इट डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, identified reasons that would be part of a separate state and sought the right to frame its own internal constitution. देखो जब मैं खालिस्तान की डिमांड बोलता हूँ ना, तो खालिस्तान की डिमांड दो तरह से की जा सकती है। एक कि भारत के कुछ जगह को अलग कर दो, पाकिस्तान की कुछ जगह को अलग कर दो, दोनों को मिला करके एक नया नेशन बना दो। दूसरा, भारत के कुछ राज्यों को मिला करके एक नया स्टेट बनाओ, लेकिन इस स्टेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दो और एक ऑटोनॉमस स्टेटस दो। तो इट विल बी अ सूडो नेशन विद इन अ नेशन, जैसा कि कहीं ना कहीं हमने जम्मू कश्मीर में देखा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ लॉ एप्लीकेबल नहीं होते थे, है ना। तो भारत की पूरी ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर पे नहीं थी, अब 2019 में हमने ये सब बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें हम करना चाहते थे। ठीक है, तो पंजाब में क्या था कि खालिस्तान की जो डिमांड अब आनंदपुर साहिब में रखी गई वो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के आधार पर लगी रखी गई कि वो एक सेपरेट नेशन नहीं चाहते थे, बट दे वॉन्टेड अ मोर ऑटोनोमस पंजाब,
वो पंजाब को ज़्यादा क्या चाहते थे, ज़्यादा स्वायत्तता चाहते थे। ठीक है, अब इसमें वो क्या क्या चाहते थे, देखो उनकी डिमांड देखना। एक तो वो चाहते थे ऑटोनोमी, कि ज़्यादा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट आकर के हमको चीज़ें ना बताएं, यूनियन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। दूसरा वो चाहते थे कि कुछ रीजन्स हमने आइडेंटिफाई करें जो पार्ट ऑफ सेपरेट स्टेट होंगे। जो आज आप पंजाब देखते हो ना, पंजाब के अलावा इसमें हरियाणा के पार्ट भी थे, हिमाचल के पार्ट भी थे, कुछ कुछ राजस्थान का पार्ट था। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग पार्ट्स बताए। और साथ ही में इन्होंने बोला कि दे ऑल्सो वॉन्टेड द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको क्या चाहिए था, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था, कि हमारा खुद का भी, जैसे जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे हमारा भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अकाली दल का देखो सेम सिंपल सा पर्पस था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पर्पस क्या होता है, अगर आप देखोगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चाहती है कि उसको वोट मिले, वो चुनाव जीते। तो उसको लगा कि अगर हम एक ऐसे डिमांड उठाएंगे जिससे पंजाब के कई सारे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ग्रोइंग डिमांड हो रही थी वहाँ पे पंजाब में, कई सारे लोग चाहते थे खालिस्तान हो, तो पंजाब के अकाली दल को ये लगा कि अगर हम बोलेंगे कि हमें भी ये सब चाहिए, हम इस डिमांड के लिए ही पार्टी हैं, तो वो सारे लोग मिलकर के हमको वोट दे देंगे, है ना। अब देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए और बोले कि यार एनएलयूज़ में सीट बढ़ा दी जाए, और आपको लगता है यार एनएलयू में सीट बढ़ गई तो क्लैट एस्पिरेंट का फायदा होगा, तो आप उसी पार्टी को सपोर्ट करोगे, उसी के लिए पोस्टर बनाओगे, उसी के लिए हैशटैग बनाओगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, तो ऐसा होता है। अब पंजाब के कई सारे लोग क्या चाहते थे, खालिस्तान बन जाए। अकाली दल को ये समझ में आ गया, अकाली दल ने बोला अगर ये डिमांड उठाते हैं तो फायदा हो जाएगा, है ना, वोट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी डिमांड को वो इनकेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी डिमांड के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट छपा, और उस एडवर्टीजमेंट में लिखा था द खालिस्तान स्टेट इज बॉर्न टुडे, कि आज खालिस्तान स्टेट का जन्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे हमको ये समझ में आ रहा था कि पंजाब की जो कम्युनिटी है ना, भारत के अलावा भी कई सारी, मतलब सिख कम्युनिटी जो है भारत के अलावा भी कई सारी जगह रहती है और बहुत पावरफुल होती है ना। तो दे आर इन कैनेडा, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत सारे सिख लोग रहते हैं, और यहाँ पर भी कई सारे लोग अब खालिस्तान को सपोर्ट करने लगे। उनको भी लगा कि यार सिख लोगों का एक अलग से नेशन होना चाहिए। ठीक है, और अकालीज ने ये बार बार बोला है ना, तो अकाली से जब भी कोई पूछता तो कि आप एक सेपरेट नेशन की बात कर रहे हो क्या, तो वो बोलते कि नहीं हम सेपरेट नेशन की बात नहीं कर रहे, हम एक ऑटोनॉमस स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन यार आनंदपुर साहिब में जो ये बातें कही गई वो ठीक नहीं थी, और अब स्टेट इंडिया के जो गवर्नमेंट थी उसको चिंता होने लगे। क्या होने लगा, इंडिया के स्टेट को अब यहाँ पर चिंता होने लगी है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, गर्मी आ गई है। वैसे तो आज बारिश बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ठीक है ना। अब जरनेल सिंह भिंडरावाले की कहानी यहाँ से शुरू होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है। ऑलराइट, ठीक है। पलक, उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी अकाली दल थी, नहीं थी, कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे थी। देखो अब क्या होने लगा है, दिल्ली को चिंता होने लगी है। दिल्ली को चिंता इस बात की हो रही है कि आनंदपुर साहिब में जो बातें कही गई वह भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ जाती है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का हिंदी अर्थ होता है संप्रभुता, यानी कि भारत अखंड होगा, भारत की इंटीग्रिटी बनी रहेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति आकर के ये बोलता है कि उसे ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए, ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, उसे अपना खुद का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वह भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ बात कर रहा है। और कोई भी स्टेट कभी भी इस बात को नहीं सहन कर सकता है, तो दिल्ली को अब इसकी चिंता होने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति की यहाँ पर एंट्री होती है। तो अब कहानी में आ रहे हैं जरनेल सिंह भिंडरावाले, ठीक है। तो जरनेल सिंह भिंडरावाले की एंट्री यहाँ पर होती है। अब जरनेल सिंह भिंडरावाले क्या बोल रहे थे, इसको समझने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार कर्नाटका असेंबली ने NLSIU बेंगलोर के लिए
एक विधेयक पारित किया। उन्होंने ये बोला कर्नाटका में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की, उनको वोट चाहिए था कन्नडिका उसका, तो उन्होंने बोला कि कन्नडिका लोगों के लिए NLSIU बेंगलोर में, जो कि भारत का सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज है, वहाँ पे स्टेट में डोमिसाइल होना चाहिए। और उन्होंने शुरुआत करी और बोला कि देयर शुड बी 25% डोमिसाइल और 25% रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डोमिसाइल इन कर्नाटका। कांग्रेस पार्टी ने यह बोला, बीजेपी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बीजेपी अगर इसके अगेंस्ट चल जाएगी तो वोट उसको नहीं मिलेंगे, और कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव को पारित करवा ले जाएगी तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस को सारे वोट चले जाएंगे। तो बीजेपी ने एक नई बात कह दी, उन्होंने बोला 25% ये क्यों, कॉलेज हमारा है, कॉलेज कर्नाटका में है, कर्नाटक गवर्नमेंट इसको चलाती है, तो 50% तो होना चाहिए ना कम से कम। तो उन्होंने और ज़्यादा एक्सट्रीम बात बोल दी। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो वोट चाहिए थे। तब यहीं पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो है जर्नैल सिंह भिंडरांवाले। वो क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं कि हम आनंदपुर साहिब के जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी कम रह गई है। उन्होंने तो सिर्फ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक सेपरेट नेशन। तो यहाँ पर क्या डिमांड होने लगती है दोस्तों, अब यहाँ पर जो डिमांड है वो सेपरेट नेशन की हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अभी तक अकाली दल क्या बोल रहा था, अकाली दल बोल रहा था ग्रेटर ऑटोनॉमी, और अब भिंडरांवाले क्या बोलने लगे है ना, ये भिंडरांवाले बोलने लगे कि अब हमको चाहिए एक सेपरेट स्टेट। तो इनकी डिमांड जो हो गई ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। लेकिन भिंडरांवाले थे कौन है ना, तो भिंडरांवाले बेसिकली एक गुरुद्वारे के प्रीचर थे। आप किसी भी सिख गुरुद्वारे में अगर अभी कभी जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि एक प्रीचर होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो गुरुवाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनके बारे में लोगों को बताए ना, तो प्रवचन दें। जैसा कि किसी मंदिर में शायद होता होगा, किसी मस्जिद में होता होगा, इस तरह का एक रिलीजियस फिगर होते हैं, और वो सिखों के गुरु की तरह काम करते हैं। ऑब्वियसली गुरु तो उनके 10 हुए हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब ही इज़ लाइक अ पर्सन हु विल गिव यू द डिवाइन नॉलेज, वो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। अब वो प्रीचर थे और उनकी जो प्रीचिंग थी वो बड़ी कैरिज्मेटिक थी, मतलब आप अगर उनके प्रवचन सुनते रह जाओगे, इतने अच्छे से प्रवचन देते थे कि आप हमेशा सुनते रह जाओ है ना, उनकी बातें सुनकर के मजा आता था, जोश भर देते थे आपके अंदर, तो बड़ा उनको देख करके लोगों में एक अलग उत्साह आने लगा। ठीक है, तो ही वॉज वेरी कैरिज्मेटिक, और इन्होंने ये बोला कि मैं ही हूँ सिख लोगों की असली वॉइस है ना, आई एम द ऑथेंटिक वॉइस ऑफ द सिख, सिख लोगों की असली वॉइस तो मैं हूँ, बाकी ये सारे लोग जो हैं ये आप लोगों को ठीक नहीं कर रहे, गुमराह कर रहे। और इनकी पॉपुलैरिटी धीरे 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 बढ़ती गई, इन्होंने सबसे ज़्यादा यूथ में अपनी फॉलोइंग बनाई है ना, और यूथ भी कौन से, दोज इन द लोअर रंग्स ऑफ द सोशल लैडर। तो जो यूथ ऐसे थे ना, जो बेरोजगार थे, जिनको पैसे नहीं थे, जिनके पास काम नहीं था, जो स्टेट से खुश नहीं थे, उनके पास जाते और उन लोगों को बोलते हैं कि देखो आपकी जो ये पूरी पोजीशन है ना, सोशल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन स्टेट की। अगर आपका खुद का खालिस्तान होगा, आपका खुद का एक राज्य होगा, एक राष्ट्र होगा ना, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो यूथ ऑब्वियसली गॉट मोटिवेटेड, यूथ को यहाँ पे इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और क्योंकि यूथ को इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली तो हम देखते हैं कि धीरे 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 भिंडरांवाले पॉपुलर होते जा रहे थे, और ये पॉपुलर किस में हो रहे थे, यूथ में ये पॉपुलर हो रहे थे। ठीक है, अब हमको कई सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि एक्चुअल में भिंडरांवाले इसलिए आए थे क्योंकि अकाली दल पॉपुलर हो रहा था भारत पंजाब में, और अकाली दल क्योंकि पंजाब में पॉपुलर हो रहा था तो संजय गांधी उस समय कांग्रेस को लेकर के चिंतित थे कि यार कांग्रेस में क्या हो जाएगा है ना, और कांग्रेस को क्या हो जाएगा इसके लिए चिंतित थे, उन्होंने भिंडरांवाले को फेमस कर दिया था। अब हमको नहीं पता कि सच में क्या हुआ था, लेकिन ये हमको समझ में आता है कि भिंडरांवाले अब यहाँ पर पॉपुलर हो गए थे, और अकाली दल से बड़ी वॉइस यहाँ पर पॉपुलर भिंडरांवाले बन गए थे। ठीक है, 1982 में भिंडरांवाले क्या करते हैं, 1982 में भिंडरांवाले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देते हैं, इसका नाम उन्होंने रखा धर्म युद्ध मोर्चा। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि हम सरकार की बात को नहीं मानेंगे। अगर आप भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जाओगे तो 1930s में आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मिलेगा, जो कि गांधी जी ने करा था, और क्यों करा था, अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए करा था है ना, तो गांधी जी ने ये पूरा मूवमेंट चलाया था। वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब 1982 में भिंडरांवाले शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट, नाम सिविल डिसओबीडियंस रखने के पीछे नाम यही था है ना, काम उनको ये बताना था कि अब मैं यहाँ पे आज़ादी चाह रहा हूँ, तो ही वॉन्टेड इट टू कनेक्ट विद द आइडियल ऑफ गांधी,
कि जैसे गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई, वैसे ही भिंडरांवाले क्या करेगा, खालिस्तान को भारत से आज़ादी दिलाएगा। दिस वॉज द आइडिया। तो इस तरह से 1982 में भिंडरांवाले का मूवमेंट शुरू हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स टेकिंग अप रेजिडेंस इन गोल्डन टेम्पल। तो वो गोल्डन टेम्पल में अपना रेजिडेंस ले लेता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया वो कि गोल्डन टेम्पल में रहने लगे 1982 के बाद। और ऐसा बोला जाता है कि 1982 से 84 तक, अल्टीमेटली जब उनकी मौत हुई, तब तक वो बीच में बहुत ज़्यादा गोल्डन टेम्पल से बाहर नहीं आए, है ना। दो साल तक वो प्राइमरीली गोल्डन टेम्पल के प्रमाइसिस में रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर तो देखो यार सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो गई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ने भारत को चिंतित करा था, लेकिन 1982 तक आते आते हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि भारत के खिलाफ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। दिस वॉज, जो ये चीज़ें हो रही थी ये कोई आम चीज़ें नहीं थी, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, और अब भारत की चिंता बढ़ती जा रही थी। आगे क्या होगा, भारत क्या करेगा, इसको भी हमको देखना होगा, है ना। एंड बाय द वे, लाइट इज़ हियर, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है वापस, तो ये जो चिंग चिंग की आवाज़ आ रही थी ये आवाज़ अब आपको नहीं आएगी, है ना। ओके, ठीक है, यस। जॉनी सिंह, वहाँ पर भी मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखता हूँ, है ना, और वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो मिशन का फॉर्मेट थोड़ा अलग है और इन क्लासेस का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, ठीक है। ये ठीक है, तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हो रहा था, द मूवमेंट वॉज गियर्ड टुवर्ड्स द डिमांड्स फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, स्पेशली द सोशो इकोनॉमिक डिमांड्स विच एड्रेस्ड कंसर्न्स ऑफ द स्टेट्स रूरल सिख पॉपुलेशन। तो सबसे पहले ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये उस स्टेट की, पंजाब स्टेट की जो ग्रामीण पॉपुलेशन थी उनके कंसर्न्स को सबके सामने रखता था और उनके कंसर्न्स की मेनली बात करता था, ठीक है। और 1984 आते आते पंजाब में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कितनी ख़राब हो गई थी वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक और कहानी आपको सुनाता हूँ। 1983 में क्या हुआ, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, तो वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पंजाब के गोल्डन टेम्पल में, जो अमृतसर में लोकेटेड है, वहाँ पे मत्था टेकने गए, और मत्था टेकने गए तो वहाँ पर उन्हें मार दिया गया, है ना, बंदूक से गोली मार दी गई। जब उन्हें मारा गया तो उनकी बॉडी को गोल्डन टेम्पल के प्रमाइसिस में डीके होने के लिए छोड़ दिया गया, है ना। तो सूरज में वो डीके होती रही और किसी की हिम्मत नहीं थी, वो एक पुलिस ऑफिसर थे, और एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर थे, कि उस आईपीएस की बॉडी को भी ले जाने की हिम्मत करें, है ना। उनको कोई अंत्येष्टि उनकी नहीं हुई, उनके फाइनल राइट्स नहीं हो पाए, एंड ही हिज बॉडी रोट इन द सन, वो पूरी डीके होती रही सन। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि अब भिंडरांवाले और उनका ग्रुप कितना पावरफुल हो गया था कि लोकल पुलिस स्टेशन की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि एक पुलिस स्टेशन की बॉडी को वो रिट्रीव कर सकें। अगर एक पुलिस स्टेशन की बॉडी के ही हाल थे तो वहाँ पे नॉर्मल लोगों के हाल क्या होंगे, ठीक है, ये चीज़ अब सोचने वाली थी। इन 1984 द सिचुएशन इन पंजाब हैड बिकम इंक्रीजिंगली अनटेनेबल एंड इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिकेम कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे और भी, लाइट फिर चली गई है दोस्तों, ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है बार बार, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, ठीक है, यस। तो अब क्या हुआ कि 1984 आते आते हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन पंजाब में और बुरी हो गई है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, कुछ हिंदू लोगों को मारा भी गया, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारा गया, है ना। और 1982 से 84 में हम देखते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर ढेर सारे लोग ढेर सारे हथियार लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स इन साइड द गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल कहीं ना कहीं एक किला बनता जा रहा है ना। भिंडरांवाले जो अपने भाषण दे रहे हैं, तो भिंडरांवाले अपने भाषण में खुले में बोल रहे हैं कि आप लोगों को वायलेंस करना होगा, अगर आप लोगों को अपनी डिमांड को पूरा करना है तो आपको वायलेंस करना होगा। तो वायलेंस के लिए ओपनली यहाँ पर कॉल दिया जा रहा है, एंड दिस वॉज अ सिचुएशन दैट वॉज अनटेनेबल, इसको ज़्यादा दिन सहन नहीं किया जा सकता था। ओके, कृषि बोल रहे आवाज़ पे ध्यान दे गए। मैं 1982 से 84 तक गवर्नमेंट को पता नहीं चला भिंडरांवाले गोल्डन टेम्पल में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सबको। जयशिव, डेफिनेटली पता चला, ग्रेविटी धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता चली, है ना, कि यार एग्जैक्टली क्या है। और डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत गलतियाँ रही, कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे अमृतपाल सिंह की घटना है, तो अमृतपाल सिंह को भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा हो जाने दिया, जब उसने शुरुआत में इस तरह की घटनाएं करना शुरू करी थी तभी उसको जेल में डाल देना चाहिए था शायद, है ना। तो भिंडरांवाले के साथ भी यही हुआ कि जब इस तरह की एक्टिविटी होने लगी तो उसके पहले ही हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर सचेत हो जाती तो कई सारे लोगों की जान बच जाती, लेकिन गवर्नमेंट की यहाँ पर ढेर सारी गलतियाँ रही हैं। अब अगली गलती क्या थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि जून 1984 में
गोल्डन टेम्पल में लॉन्च किया गया। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भारत ने अपनी मिलिट्री उतारी, क्योंकि भारत को पता था, भारत की आर्मी को पता था भिंडरा वाले जो है वो गोल्डन टेम्पल में, तो अगर उनको गोल्डन टेम्पल से निकालना है तो वहाँ पे मिलिट्री भेजी गई। आइडिया ये था कि एकदम से मिलिट्री के कुछ जवान जाएंगे गोल्डन टेम्पल में, भिंडरा वाले को अरेस्ट करेंगे, या तो अगर अरेस्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उनको मार गिराया जाएगा और ये ऑपरेशन पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हो गई गवर्नमेंट की दूसरी गलती, और वो गलती ये थी कि उन्होंने ये एस्टिमेट नहीं करा कि एग्जैक्टली कितने लोग गोल्डन टेम्पल में उस दिन मौजूद होंगे, और साथ ही में कितने ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड भिंडरा वाले होंगे। भिंडरा वाले के पास ढेर सारे लोग थे, और ये ढेर सारे लोग जो थे ना दोस्तों, ये सारे लोग अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आर्म्ड थे। जैसे इंडियन आर्मी अंदर जाती है तो उन लोगों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग होती है। इंडियन आर्मी को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इंडियन आर्मी तो वहाँ पे एक स्विफ्ट ऑपरेशन करने गई थी, लेकिन अब ये स्विफ्ट ऑपरेशन हो ना सका, है ना। तो उसके जवाब में हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी को अपने बचाव में एयरफोर्स को बुलाना पड़ता है, तोप को बुलाना पड़ता है, और जब एयरफोर्स और तोप भारत में आती है या गोल्डन टेम्पल के आसपास आती है, तो ये दृश्य था जब गोल्डन टेम्पल के दीवालों पर गोली गोली हो गई, ये सब जगह है ना, तोप या कोई टैंक जो है गोल्डन टेम्पल पे अटैक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूरे भारत में, भारत के बाहर जितने सिख लोग थे उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अगर किसी भी व्यक्ति के रिलीजियस स्ट्रक्चर पर या रिलीजियस जगह पर कोई भी इस तरह से दिक्कत देगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और पूरे भारत में, पूरे भारत के बाहर जितने सिख लोग थे उनको यहाँ पर बड़ा बुरा लगने लगा कि यार ये क्या हो रहा है ना, दिस वॉज नॉट ग्रेट। अगर आप लोग सोचो आपके यहाँ पर कहीं आपकी जगह जो होती है, आपके मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, गिरजाघर होते हैं, वहाँ पर अगर कोई इस तरह की चीज़ें करेगा तो क्या आपको अच्छा लगता दोस्तों? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता तो ये भी आपको अच्छा नहीं लग सकता था। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा है, यहाँ पर भिंडरा वाले को मारा जाता है, और अब पंजाब में कई सारे लोग यहाँ पर दुखी हैं, क्योंकि एक तो उनके लीडर की मौत हो गई, दूसरा उनकी जो रिलीजियस प्लेस है उस पर अटैक हो गया है ना, और ये गुस्सा पूरे भारत में है, भारत के अलावा भी जो दुनिया में सिख समुदाय के लोग रहते हैं उनमें हम ये गुस्सा देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, दिस ऑपरेशन वॉज अ मासिव मिलिट्री असॉल्ट विच कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड क्लेम द लाइफ्स ऑफ मेनी मिलिटेंट्स एंड इनोसेंट सिविलियंस। तो ना सिर्फ यहाँ पर ढेर सारे मिलिटेंट जो थे गोल्डन टेम्पल के अंदर उन लोगों की जान गई, लेकिन बहुत सारे सिविलियंस की जान भी यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो उस दिन बहुत सारे लोग टेम्पल में ऐसे ही पूजा करने आए थे, और पूजा करने आए तो उनकी भी जान चली गई, है ना, तो ये यहाँ पे दिक्कत हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे सिख जो लोग थे उन लोगों में गुस्सा था, और ऐसे ही दो लोग सिख थे जो इंदिरा गांधी जी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी उनके बॉडीगार्ड थे। उन दोनों बॉडीगार्ड ने एक दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया, और अब इंदिरा गांधी की भी मौत हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की मौत होती उस समय उनके पुत्र राजीव गांधी कलकत्ता में थे, उनको कलकत्ता से दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली में एम्स में इंदिरा गांधी जी की लाश को लेकर के पूरी जगह घुमाया जाता है, और जब उनकी अंत्येष्टि होती है तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे भारत में सिख लोगों के खिलाफ भारत के लोगों का, कई सारे हिंदू लोगों का, कई सारे कांग्रेस के लोगों का गुस्सा फूट जाता है। सिख लोगों के खिलाफ हिंसा होती है, उन लोगों को मारा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी दुकानों को लूटा जाता है, और ये पूरे भारत में हर जगह होता है, हर उस सिख के साथ होता है जिसका ऐसे कुछ लेना देना नहीं था, जो भारत का नागरिक था, जिसने खालिस्तान की डिमांड कभी नहीं करी थी, जस्ट बिकॉज वो सिख है उसे इस बात की सजा दी जाती है। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे बयान आते हैं जो कि शर्मनाक थे। ये उस समय के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप इस पे क्या कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि कभी भी जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, या वो ये बोलते हैं, शायद एक्शन रिएक्शन की बात नहीं कही थी लेकिन ये कहा था, है ना, ये कहा था कि कब जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत आसपास दिक्कतें होती हैं, है ना, तो इस तरह की इनसेंसिटिव बातें उस समय के सरकार ने भी कही। और ये भी देखा गया कि कई सारे कांग्रेस लीडर ने वहाँ पर फैसिलिटेशन किया, अब ये थ्योरी है सच है ये हम लोगों को नहीं पता, बट ये फैसिलिटेशन यहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पूरे दिल्ली में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में एंटी सिख राइट्स होने लगे, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारत में उस समय कई सारे लोग सिख जो थे उन्होंने दो काम करे, कुछ सिख लोग भाग गए भारत से, वो किसी और जगह चले गए, तो
कुछ लोग कनाडा चले गए, कुछ लोग यूएस चले गए, कुछ अलग अलग कंट्री चले गए जहाँ पे उनके रिश्तेदार दोस्त वगैरह रहते थे। कुछ सिख लोगों ने यहाँ पर उठा लिए हथियार और उससे 1984 के बाद हम देखते हैं कि अगले 10 सालों तक भारत में रहता है सिख टेररिज्म का खतरा, है ना। इतना टेररिज्म कि कनाडा में एक एयर इंडिया की फ्लाइट को अगवा कर लिया जाता है, ठीक है। कनाडा में क्या किया जाता है, एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसको अगवा कर लिया जाता है और 329 पीपल की यहाँ पर मौत हो जाती है। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हम भिंडरांवाले की जो आपने मर्डर कर दिया है उसको अवेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1995 तक लगभग ये इंसर्जेंसी चल रही है और ऐसा माना जाता था कि उस समय पाकिस्तान का यहाँ पर ढेर सारा सपोर्ट था, है ना। पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था, नेबरिंग कंट्री से सपोर्ट आ रहा था, लेकिन किसी तरह से इस डिमांड को ख़त्म किया जाता है और खालिस्तान के बाद खालिस्तान डिमांड ख़त्म होती है और पंजाब भारत का पूरा जैसे बाकी राज्य है वैसा राज्य बन जाता है। लोग खुशी खुशी रहने लगते थे 1995 के बाद, ऐसा लगा था हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन यार होने को तो कुछ और ही मंजूर था। 2020 आते आते कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब वो कहानी का अगला ट्विस्ट क्या था, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और कहानी हमारे भारत की है और एक्चुअल में तो ये सारी चीज़ें हुई है तो बहुत अनफॉर्चुनेट भी है, है ना। तो अब अगले पार्ट में हम जा रहे हैं। 1995 में सब कुछ ठीक हो गया था, अगले 25 साल तक कुछ नहीं हुआ, है ना। लोगों को लगा था खालिस्तान वॉज अ इशू जो पहले था अब नहीं है, लेकिन यार अब एक नई कहानी जन्म लेने वाली है, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब सवाल उठता है कि अब रिसेंटली क्या हुआ। रिसेंटली देखो दो चीज़ें हुई। कुछ ऐसे सिख लीडर थे जो खालिस्तान की डिमांड को हमेशा सपोर्ट करते थे लेकिन जो भारत में नहीं रहते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, बिकॉज दे डिड नॉट यूज टू लिव इन इंडिया, उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सिख फॉर जस्टिस। और उन्होंने बोला कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम एक रेफरेंडम करेंगे जिसमें हम सिख लोगों से पूछेंगे कि क्या एक अलग खालिस्तान मुल्क बनना चाहिए। ऑब्वियसली ये रेफरेंडम कभी इंडिया में नहीं कराया गया, लेकिन रेफरेंडम को इसके अलावा बाकी सारी जगह कराया गया, है ना। तो अलग अलग जगह हम देखते हैं कि रेफरेंडम होता है, ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़, तो जब भी कोई इतनी बड़ी इवेंट होता है तो वो खालिस्तान की डिमांड के शब्द, इन सब शब्दों का प्रयोग होता है, लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं एंड इट्स नॉट अ ग्रेट मेमोरी, है ना, लोग इससे ट्रिगर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि भारत में किसान आंदोलन, किसान आंदोलन को देखा गया कि उसमें ज़्यादातर सिख किसान जो थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो लोग जो भारतीय थे, भारतीय कानून के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को कई बार कुछ टीवी चैनलों ने, कुछ लोगों ने उनको खालिस्तानी बोला जो कि बहुत गलत था, है ना। तो लोगों को फिर से यहाँ पर गुस्सा आने लगा कि खालिस्तानी क्या बोल रहे हो, हम लोग तो खालिस्तान की डिमांड भी नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी। फिर क्या होता है, एक इंसान होते हैं दीप सिद्धू। दीप सिद्धू पंजाब के एक बहुत फेमस कलाकार थे एंड ही वॉज़ अ यूथ आइकन ऑफ पंजाब। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था वारिस दे पंजाब, पंजाब के वारिस, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका पक्ष था कि वो पंजाब के यूथ के लिए काम करना चाहता है। पिछले साल फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। अब दीप सिद्धू की मौत हो जाती है तो सवाल ये उठता है कि अब वारिस दे पंजाब को हेड कौन करेगा, और वहीं से इस नए करेक्टर की शुरुआत होती है, अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह कौन है, है ना, ये किसी को नहीं पता था। सितंबर के पहले दुबई में एक सिख युवक था जो काम करता था, एक ऐसा सिख युवक जो पगड़ी भी नहीं पहनता था, जो सिख धर्म के 5 कत हैं उनको भी पूरा नहीं करता था। तो देखो सिख धर्म में क्या होता है, 5 का बड़ा महत्व होता है। केश, आप अपने केश नहीं काट सकते। कंघा, आपको हमेशा अपने पास कंघा रखना पड़ेगा। कड़ा, आपको एक कड़ा पहनना पड़ेगा। करतार, आपको अपने पास एक चाकू या तलवार रखनी होगी। और कच्छा, आपको हमेशा कच्छा पहनना पड़ेगा जब भी आप बाहर जाए। तो ये 5 का बड़ा महत्व है। और जो इस 5 को सीख जाता है उसे सिख कहा जाता है, ठीक है। तो आपको सिख जब भी कहा जाएगा। सिख क्या है, ये एक हिंदी शब्द है। हम बोलते हैं ना सिख जाना, तो सिख का मतलब वही होता है जो सीख गया। ये 5 को सीख गया, गुरु वाणी को सीख गया, गुरुदेव की बातों को सीख गया, वो सिख हो गया।
सिंपल सा ही पर्पस। तो ये इंडिया आते हैं और इंडिया में आकर के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वारिस द पंजाब, इसके अमृतपाल सिंह दुबई से आकर के कमान संभाल लेते हैं, अपना पूरा सिख धर्म जिस तरह से उनको पगड़ी उगड़ी बांधना चाहिए वो सब भी अब ये बांगने लग जाते हैं, है ना, वारिस पंजाब दे, है ना, यस ओके। अब क्या हुआ, वारिस पंजाब दे में अमृतपाल सिंह आए। अब अमृतपाल सिंह ऑफिशियल थे कि नहीं, ये सक्सेसर थे कि नहीं, इस पर भी कई सारे विवाद होते हैं। जो दीप सिद्धू की फैमिली होती है वो बोलती है कि यार हमने तो कभी नहीं बोला इसको, इस इंसान को, है ना, हम तो इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज भी नहीं करते। दीप सिद्धू खुद इसके फ़ोन नहीं उठाता था, ब्लॉक कर रखा था इस इंसान का नंबर। कई सारे लोग बोलते कि अमृतपाल सिंह का एक ISI कनेक्शन है, ये दुबई में रहते थे, वहाँ पे ISI ने इनको प्लांट करा इंडिया में, है ना। कई सारे लोग बोलते हैं कि यार दीप सिद्धू के एक्सीडेंट के पीछे भी कुछ कारण हो सकता है कि उनका इतनी कम उम्र में एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश, किसी को नहीं पता। लेकिन जब से ये सितंबर से आते हैं तो ये अपने आप को ना भिंडरा वाले की तरह ड्रेस करते हैं। तो जैसे भिंडरा वाले थे ना, उनका गेटअप था, उनका एक करिश्मा था, इनका भी वही करिश्मा था। इनको हिंदी बोलना आती है, पंजाबी बोलना आती है, इंग्लिश बोलना आती है, सब कुछ आता है, अच्छे से बोलते हैं, जोश भर देते हैं लोगों में, भिंडरा वाले की तरह रहते हैं। तो लोग बोलते हैं ये भिंडरा वाले वापस से आ गए, फिर लाइट चली गई, है ना, लेकिन ये भिंडरा वाले वापस से यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह की बातें पंजाब में होने लगती हैं। एंड ही इज़ अ वेरी रेडिकल पर्सन, बहुत रेडिकल बातें करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। अब अगेन कभी ये ओपनली कहते हैं खालिस्तान की, कई बार नहीं कहते, कई बार बोलते हैं कि खालिस्तान इज जस्ट अ थॉट, कि जिस तरह से भारत में हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो खालिस्तान की बात क्यों नहीं हो सकती, हमको तो डिस्कशन चाहिए। कोई लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो ये बोल देते हैं कि ये तो सेल्फ डिटर्मिनिज्म की बात है। डेमोक्रेसी का तो पहला अध्याय यही होता है कि सेल्फ डिटर्मिनिज्म होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर रिसेंटली अभी अजनाला का इंसिडेंट होता है। अजनाला में क्या हुआ, तो अजनाला में इनके एक एसोसिएट थे जिनका नाम था लवप्रीत सिंह तूफान। लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस कुछ मामलों में गिरफ्तार करती है, इनको लगता है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है, तो 400-500 लोगों को लेकर के अमृतपाल सिंह पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में और उस पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि आपको हमारे इंसान को छोड़ना होगा। पुलिस दबाव में आती है, उसको डिस्चार्ज कर देती है। तो इस बार हम देखते हैं कि भारत के स्टेट ने क्या घुटने टेक दिए अमृतपाल सिंह के खिलाफ। इस तरह के सवाल भारत के स्टेट पर उठने लगते हैं कि यार एक पुलिस एक इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है, मजिस्ट्रेट अगर बोलता कि इस इंसान को छोड़ दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो कर दिया जाता, लेकिन पुलिस इस तरह से कैसे किसी को छोड़ सकती। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ से अमृतपाल सिंह अब पूरी भारत की मीडिया में छा जाता है, है ना। जो ये इंसिडेंट होता है ना अजनाला का, उसके बाद उनको पहली बार एक नेशनल प्रोमिनेंस मिलती है और भारत को अब टेंशन होने लगती है। पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बात होती है और बात होती है तो कि पैरामिलिट्री फोर्स आएगी, मिलिट्री यहाँ पर आएगी पंजाब में। लेकिन G20 की मीटिंग के बाद, अमृतसर में एक G20 की मीटिंग होने वाली थी, तो भारत सरकार उसका इंतज़ार करती है और उस इंतज़ार जैसे ही खत्म होता है, जैसे ही G20 की मीटिंग खत्म होती है, वैसे ही अमृतपाल सिंह के ठिकानों पर अमृतपाल सिंह के लिए दबिश दी जाती है। पंजाब में अफवाहें ना फैले, कोई राइट ब्रेकआउट ना कर जाए, इसके लिए इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है। तो आज मेरे जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो शायद इस क्लास को उतने अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि अभी पंजाब में इंटरनेट उतना अच्छे से नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें की जाती है, इंटरनेट सस्पेंड किया जाता है और कोशिश की जाती है किसी भी तरह की कोई अफवाह पंजाब में ना फैले। अभी एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, जो मैंने अभी 1.5 घंटे पहले तक इन्फॉर्मेशन है, अमृतपाल सिंह के चाचा ने आत्मसमर्पण कर दिया है, उनके ड्राइवर ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कई सारे और बॉडीगार्ड्स को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बट अमृतपाल सिंह इज़ नॉट देयर। अमृतपाल सिंह अभी भी रिमेन्स इन एब्सकॉन्डिंग, वो फरार हैं, है ना, ही रिमेन्स एट लार्ज। भारत की पुलिस, भारत की मिलिट्री उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब की पुलिस ने बोला है कि पंजाब की पुलिस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब नहीं होने देगी, वो पूरा कोशिश करेगी और इंश्योर करेगी कि पंजाब में ना तो लॉ ऑर्डर बिगड़े और ऐसा इंसान जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करता है उसको किसी भी तरह से हम बख्श दें। तो ये कहानी हो गई है ना। ओके, दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन नेहा, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई। अच्छा, इट वॉज दीप सिद्धू क्या? हाँ, तो दीप सिद्धू ही है। कई सारे लोग बोलते हैं कि इनका BJP से भी कनेक्शन था दीप सिद्धू का, है 2019 में इन्होंने सनी देओल की जो पार्टी है, सनी देओल है, उनके लिए प्रचार भी करा था। ऑलराइट, यस, क्या पूरी कहानी क्लियर हो गई? कहानी सुनने में मजा आया। वी बीन स्टडिंग इट फॉर द लास्ट 45 मिनट्स गाइस। आई डिडंट रियलाइज द टाइम, मेरे को टाइम समझ में नहीं आया कि 45 मिनट्स कहाँ हो गए।
क्लियर? कोई डाउट हो दोस्तों तो आप पूछ सकते हो अभी भी, इफ यू हैव एनी डाउट्स। मैं अपना पानी ले लेता हूँ थोड़ा सा। आज हमने पूरी क्लास ये बिप बिप में निकाल दिया। कृष्टि वो कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? पंजाब की पुलिस ढूंढ रही है ना उन्हें। मुझे पता होता तो मैं पुलिस को बता देता। अदित्य यार मेरे को फोन भी नहीं आया उनका। हाँ, वरना अपने को ऐसे लोगों का फ़ोन आ जाता है, अपन क्लास कर रहे होते हैं ना तो वी गेट कॉल्स फ्रॉम सच पीपल। क्या मैं यहाँ पे हूँ? लेकिन अभी तक तो नहीं है, चेक कर लेता हूँ। साइलेंट पे यार, क्लास में क्या साइलेंट पे रहता है? अरे फ़ोन पे तो यूट्यूब चल रहा है यार मेरे। तो जनरली क्या होता है, वेन एवर आई एम टेकिंग क्लास दैट्स हाउ आई कीप माई फ़ोन। यहाँ पे मैं आपकी कॉमेंट पढ़ता हूँ। तो फ़ोन तो नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब चल रहा है ना अपने फ़ोन पे। अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई लगता है, परेशान हो गया था यार, पता नहीं कितने देर आके चली गई। आ गई इलेक्ट्रिसिटी, आ गई है फाइनली। वेरी नाइस। ठीक है, चलिए आप 10:30 बजे मिलेंगे है ना? हम 10:30 बजे मिलेंगे फॉर मिशन 35+। दोस्तों आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। यस, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, एंड डू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, खालिस्तान की इस कहानी को। ऑल राइट गाइस, तो फिर अब मिलेंगे हम है ना? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। लेट्स क्लैट इट अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हैव अ ग्रेट डे गाइज एंड वी विल मीट अगेन। ठीक है, तो कब मिलेंगे हम लोग? अब वॉट इज़ गोइंग टू बी आर टाइम नेक्स्ट? अब हम मिलेंगे 10:30 बजे मिशन 35+ के लिए, मिशन की क्लास के लिए मिलेंगे दोस्तों। यस, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन।